जब भी कोई यंग प्लेयर अच्छा करता है ना और कंसिस्टेंसी दिखाता है अपने खेल के अंदर, तो दो चीज़ें तो बिल्कुल तय होती हैं कि एक उन्होंने ऑफ सीज़न के अंदर या कमिंग इन टू द सीज़न ऑफ एन आईपीएल टूर्नामेंट बहुत मेहनत करी है, और दूसरी चीज़ कि उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि मैंने पिछले सीज़न और उसके पिछले सीज़न से लेके इस सीज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, कैसे इम्पैक्ट करना है और कैसे एक विनिंग नॉक खेलना है। मैं यशस्वी जायसवाल की बात कर रही हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक नहीं दोनों बार सीएसके के विरुद्ध बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई, बहुत अच्छी बैटिंग करी, और ऑफ कोर्स सेकंड मैच जो जीते सीएसके के अगेंस्ट उसमें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। वेलकम टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। और बहुत मुश्किल होता है जब आप सीएसके के विरुद्ध मैच खेलते हैं, और ये कह सकते हैं कि दो मैच खेली राजस्थान रॉयल्स और दोनों मैच ही सीएसके के विरुद्ध जीत गई, बहुत कम होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई है। राजस्थान किस तरीके की टीम दिख रही है ये तो क्लियर है कि ऑफकोर्स राइट ऑन टॉप ऑफ द टेबल है, सीएसके भी वहाँ पर है, वो सब ठीक है, 10 अंक इनके हैं, अगली टीमों के 8 हैं, तो बहुत क्लटर है। लेकिन राजस्थान अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो अश्विन, चहल, जैम्पा, सीम बॉलर्स देखेंगे तो संदीप शर्मा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अब तो कुलदीप यादव भी अंदर जुड़ गए आके। सो अगेन ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले, लेकिन फिर भी बॉलिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। बैटिंग के अंदर जायसवाल, बटलर, वही स्ट्रॉन्ग बैटिंग कॉम्बिनेशन है। अब हेटमायर उसके अंदर जुड़ गए हैं, ध्रुव जुरेल जुड़ गए हैं। सो आरआर अगर कहें कि अच्छी टीम दिख रही है तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आरआर बहुत अच्छी टीम दिख रही है। जब चेन्नई के विरुद्ध घर के अंदर मुकाबला खेले थे तो वापस टॉस जीत के इस बार क्लियरली संजू सैमसन ने कहा कि मैं बैटिंग करूंगा, और मैं इंप्रेस्ड हूं क्योंकि दो मुकाबले मुझे ऐसा लगा कि जब वो बैटिंग कर सकते थे टॉस जीतने के बाद उन्होंने चेस किया और वो दोनों मुकाबले हार गए। कहीं ना कहीं आई एम श्योर कोई स्ट्रैटेजी चेंज करी होगी, अच्छे के लिए चेंज करी, बिकॉज अगेन जब जायसवाल और बटलर स्टार्ट करते हैं और पार्टनरशिप बनाते हैं तो ब्रिलियंट लगता है। 86 की पार्टनरशिप ओपनिंग के रही, लेकिन उसके बाद जो एक मोमेंटम मिलना चाहिए था मिड ओवर्स में, ऐसा लग रहा था कि क्लियरली 200 से आगे जाएंगे। दिस वॉज समय अराउंड 13th 14th ओवर, लेकिन शिमरन हेटमायर भी आउट हो गए, उसके पहले देवदत्त पडिकल के साथ एक साझेदारी बनी थी, लेकिन उसके पहले जायसवाल और बटलर इकट्ठे आउट हो गए, तो लगा कि मिडल ऑर्डर के अंदर रन्स कौन बनाएगा, फिर से वो एक वैक्यूम दिखा। लेकिन भाई है ना ध्रुव जुरेल, उन्होंने कहा मैं हूं, कोई बात नहीं। लास्ट 4 ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 35-40 रन्स बने, जो कि प्रॉब्ली 180-190 से लेके सीधा 202-203 के आसपास का एक लक्ष्य लेके चला गया टीम के लिए, और वो बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर आप 180-190 खत्म करते हैं एक चीज होती है, 202-203-205 के आसपास खत्म करते हैं अलग चीज होती है, और वही शायद डिसाइसिव हो गया चेन्नई को चेस करने के लिए। हालांकि समझती हूँ मैं, मेरे को लगता है संदीप शर्मा पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से जब गेंदबाजी करते हैं, पहले सनराइजर्स के लिए करते थे, अब राजस्थान के लिए कर रहे हैं। जब चेस करने के लिए आए विकेट नहीं मिली, लेकिन एन आउटस्टैंडिंग स्पेल, बहुत बढ़िया अच्छा स्पेल डाला। सामने से ऋतुराज और कॉनवे कैसे स्टार्ट करेंगे ये तो डिफरेंट नहीं है जानना, क्योंकि अगेन वो बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर है, लेकिन जहां एक साझेदारी टूटी, जहां एक साझेदारी नहीं बनी, वो दबाव क्लियरली चेन्नई के ऊपर आया एंड वो दिखता भी गया चेस के अंदर। शिवम दुबे एक खिलाड़ी है, हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स, अभी पहले जायसवाल की बात कर रही थी, शिवम दुबे की बात भी करनी यहाँ चाहिए, बिकॉज अगेन मैं आपको बताऊंगी कि हमने जिन जिन प्लेयरों के ऊपर नजरें रखी हैं उनमें शिवम दुबे भी है, लेकिन 3 हाफ सेंचुरीज बैक टू बैक और जिस तरीके का इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं, अगेन इनके लिए दो चीज़ें दिखती हैं कि एक तो ये बहुत अच्छा होमवर्क कर कर आए हैं, और दूसरी चीज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना कि किस तरीके से आपने बड़े शॉट लगाने हैं, अगर आपने डाउन द ग्राउंड मारना है तो कैसे मारना है, अगर आपने ऑन साइड पे मारना है तो कैसे मारना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जब एक प्लेयर के और बैटर के माइंड में होती है ना तो आप डाउट नहीं करते, और शिवम दुबे जिस तरीके से बॉल मार रहे हैं ना वो डाउट नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस बाहर से लेकर आते हैं, कॉन्फिडेंस आपको सब देते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर से लेकर आते हैं, कन्विक्शन लेकर आते हैं, वो शिवम दुबे की बैटिंग में क्लियरली दिखता है। माना कि चेन्नई जीत नहीं पाया, लेकिन शिवम दुबे अगेन हैज़ बीन अ वेरी इम्पैक्टफुल परफॉर्मर फॉर इस टीम। खैर, यशस्वी जायसवाल को एक और प्लेयर ऑफ द मैच मिला, और उनके लिए मैं खुश हूँ क्योंकि जब भी वो शुरू करते हैं इस सीज़न के अंदर बैटिंग कर रहा है, या पहले सीजन के अंदर तो गिरावट आती है फॉर्म में, लेकिन ये सीज़न के अंदर ऐसी गिरावट नहीं आई। अच्छा शुरू किया, फिर बहुत अच्छे गए, फिर एवरेज एक आया, फिर वापस अच्छी परफॉर्मेंसेज। सो आई एम हैप्पी दैट यशस्वी जायसवाल हैज़ गॉट अ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, एंड दो मुकाबले जीती है रॉयल्स चेन्नई के ऊपर, तो यकीनन कॉन्ग्रेचुलेशंस।
वेल डन। खैर, लेकिन आने वाला मुकाबला कौन सा? आने वाला मुकाबला मोहाली के अंदर पंजाब किंग्स और लखनऊ आमने सामने रहेंगे, और करीबन 6 दिनों का रेस्ट मिला है दोनों ही टीमों को, क्योंकि लास्ट मुकाबला ये दोनों टीमें खेली थी और उसके बाद ब्रेक लिया है। अब जब वापस अंदर आएंगे, पंजाब के लिए क्लियरली है 3 मैचेस घर पे खेले हैं लेकिन सिर्फ 1 मैच जीते, वो भी पहला मैच जो टूर्नामेंट की शुरुआत थी, उसके बाद दोनों मैचेस हारे हैं। लखनऊ घर में भी हारा है, बाहर भी हारा है, लेकिन खैर जहाँ भी हारा है, जो भी टीम हारी है, दोनों टीमें 8-8 अंकों के ऊपर है। और इनफैक्ट दोनों ही टीमें अगर हम लाइनअप में देखेंगे तो कहेंगे, अगर पहले लखनऊ के लाइनअप के ऊपर डालते हैं नज़र, लखनऊ के लाइनअप के ऊपर नज़र डालेंगे तो कौन से प्लेयर्स हमारे को देखेंगे? हमारे को बैटिंग में केएल राहुल देखेंगे, काइल मेयर्स देखेंगे, हमारे को मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ये सारे देखेंगे। बॉलिंग के अंदर अमित मिश्रा, बिश्नोई दिखेंगे, दीपक हुडा एज एन ऑलराउंडर दिखेंगे। लेकिन जब हम सामने देखते हैं पंजाब किंग्स की तरफ, राइट, शिखर धवन अभी तक फिट नहीं है, उम्मीद है कि शायद इस मुकाबले के अंदर आएंगे क्योंकि राइट ऑन टॉप उनकी कमी दिखती है। लेकिन उसके अलावा भी सैम करन पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच थे, लिविंगस्टन है, शॉर्ट है, इन पे ज़्यादा बल्लेबाजी डिपेंड करती है, लेकिन जहाँ गेंदबाजी आती है वहाँ आपके पास नेथन एलिस, कगिसो रबाटा, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर इन द बोलिंग डिपार्टमेंट, हरप्रीत विद इन द लेफ्ट आर्म स्पिन डिपार्टमेंट। सो हेड टू हेड दोनों टीमें बड़ी बैलेंस दिखती हैं, सिर्फ ये है कि फिनिश लाइन तक हर बार नहीं पहुँचती, कन्विंसिंग नहीं रहती अपने गेम प्लान में, ये कंसिस्टेंट नहीं रहती। खैर, जब ये दोनों अब ब्रेक के बाद वापस आएंगी तो क्या देखने को मिल सकता है? पिच अगेन, इस समय जो एक ट्रेंड है या जो एक सीन है वो ये है कि अगर आप रन्स अच्छे बोर्ड पे डालते हैं तो डिफेंड कर सकते हैं। पंजाब को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम बोलिंग लाइनअप गिनाए हैज़ बीन ब्रिलियंट। अर्शदीप सिंह याद करिए, पिछले मुकाबले में तो विकटें ही तोड़ दी थी, 2 स्टंप्स तोड़ी थी उन्होंने, मुंबई के अगेंस्ट डिफेंड किया था, सो दे कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट। लखनऊ की टीम प्रेफर करती है, खैर उनका रिकॉर्ड तो दोनों जगह अच्छा है, लेकिन अगेन जब भी वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि पिछला मुकाबला जो हारे थे तो बहुत खराब मुकाबला हारे थे गुजरात टाइटंस के विरुद्ध, लेकिन वो हो गई हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री की तरफ तो जाएंगे नहीं, अब हम आगे की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से ये दोनों टीमें आमने सामने फेयर अप करती हैं। वेल अगेन, हेड टू हेड केएल राहुल अपनी पुरानी फ्रेंचाइज, पुराने होम ग्राउंड पंजाब के अंदर खेलेंगे, जहां उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शतक भी लगाया था, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरीज भी लगाई थी, सो ही डेफिनेटली नोज द कंडीशंस। बट ये वो पड़ाव है जहां से टीमों को कंसोलिडेट करना आवश्यक है, पीछे ना जाके आगे का घेर लगाएंगे, जीत उनके हक में रहेगी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज यहाँ से जब अंक खोने लगेंगे ना तो दिक्कत आएगी, और अब वो दिक्कत चाहते नहीं है ना, किसी भी टीम के अंदर जाके बैठ जाइए, आप थोड़ी ना दिक्कत चाहते हैं, आप चाहते हैं पॉजिटिविटी एंड गुड वर्क। चलिए अब नज़र डालते हैं कि जो खिलाड़ी पिछला मुकाबला खेले या जो खेलने वाले, उनका अभी तक का परफॉर्मेंसेस क्या रहा है। स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमने कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए थे हर टीम के अंदर से, चाहे वो बैटर या बॉलर या मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स, तो पहले जो मुकाबला हो चुका है उस इंपैक्टफुल प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। शिवम दुबे ने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से अच्छा खेल रहे हैं, 3 हाफ सेंचुरीज तो लगा चुके हैं, लेकिन 8 मैचेस के अंदर उनका स्ट्राइक रेट देखिए क्लोज टू 145-150+ ही जा रहा है। विच आई थिंक हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट द वे ही इज बीन स्कोरिंग रन्स। दूसरे इन्हीं की टीम के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, दोनों मैचेस जो फर्स्ट 2 खेले थे तब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इंपैक्टफुल रन भी गए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट में डिप नहीं आया, 140+ का स्ट्राइक रेट है, 300 से अधिक रन है, एंड अगेन अगर द हाईएस्ट 92 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ दैट ही हैज बीन इन फॉर्म। दूसरी तरफ सामने की टीम में यशस्वी जायसवाल अगेन प्लेयर ऑफ द मैच इन द लास्ट गेम जो राजस्थान खेली है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं 147+ के स्ट्राइक रेट में, सो यू थिंकिंग दैट येस इट्स अ ग्रीन टिक क्योंकि द वे ही हैज बीन फॉर्म्ड। DDP देवदत्त पाडिकल ओपन नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर में नंबर लग रहा है बैटिंग का, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 128 है, पिछले मैच में लास्ट के कुछ ओवर्स के अंदर आए थे वहां पर भी इन्होंने कोशिश करी थी इंपैक्ट क्रिएट करने की, लेकिन ही इज स्टिल अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। खैर, जो आने वाले मैचेस हैं उसमें और नज़र डालते हैं। अर्शदीप सिंह हमारे चोजन प्लेयर हैं पंजाब किंग्स के अंदर, 13 विकेटें हैं 7 मैचेस में, 8वां खेलेंगे और उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे, लेकिन एज अ इकोनॉमी ऑफ 8.16 अगेन इज अ टॉप ड्रॉ परफॉर्मर अलॉन्ग विद शाहरुख खान, थोड़ा सा कम फीका प्रदर्शन रहा है अभी तक, लेकिन फिर भी इन्होंने 7 मैचेस के अंदर जो भी स्ट्राइक रेट है वो डिप नहीं होने थे, 170+ का स्ट्राइक रेट है, आई एम श्योर ही विल इम्प्रूव एंड पंजाब नीड्स हिम एज वेल। दूसरी तरफ जो इनके सामने खेलने वाले हैं वहाँ 3 हमारे प्लेयर्स हैं, दीपक हुडा अभी तक अगेन इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, नंबर 3 खेल रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में जो घर पे खेले थे वहाँ कृणाल पांडे आ गए थे बैटिंग करने के लिए, सो उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, 7 मैचेस में 41 रन है।
लेकिन आयुष बदोनी अगेन वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट, क्योंकि ज़्यादा तक इम्पैक्ट पेयर की तरह यूज़ हुए हैं, 7 मैचेस के अंदर 85 रन है, लेकिन इम्पैक्ट पेयर के तौर पे 130 का स्ट्राइक रेट है। एंड ऑफकोर्स आप कैसे भूल सकते हैं रिस्ट स्पिनर रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई 8 विकेट्स इन 7 मैचेस, 8 विकेट्स से सिर्फ बात ये नहीं, लेकिन इनका इकोनॉमी रेट जो है ना 7.77 है, विच हैज़ बीन दी गेम चेंजर फॉर द लखनऊ टीम अलॉन्ग विद अमित मिश्रा और दी अदर एंड। तो ये हमारे चोजन प्लेयर्स हैं। हर अब यहाँ से लेते हर मैचेस के अंदर हमारे जितने भी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है उनके आंकड़े जरूर डिस्कस करेंगे, एंड ऑफकोर्स बाद में टैली करके आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगा, कौन से टॉप परफॉर्मर्स रहे, बॉलिंग बैटिंग इम्पैक्टफुल प्लेयर्स, वो भी बताएंगे, लेकिन वो आगे बताएंगे टूर्नामेंट में, अभी नहीं। अभी आपका काम ये बताने का है कि कौन सी टीम जीतेगी, पंजाब लखनऊ। अपने फेवरेट प्लेयर ज़रूर बता दीजिए, और अगर कोई प्लेयर है जिसका आप ध्यान देना चाहते हैं और हम आप चाहते हैं कि हम भी उसके ऊपर बात करें या एनालिसिस करें, तो वो नाम भी दे दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।